Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक एवन आला और फ़र्स्ट क्लास होंगे जी मैं हाज़िर हो गई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की ख़िदमत में जो है वो मैं हाज़िर हो चुकी हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जी आप जी, आज जिस टॉपिक के आप लोग जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात होगी वो है जी के आप लोग जब न्यू किटन या न्यू कैट लेके आते हैं तो उसकी केयर जो है वो किस तरह करनी चाहिए आप लोगों को न्यू किटन को घर लाने के लिए किन किन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए उनको किस किस जो है चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए और किन किन चीज़ों को जो है ना आप लोगों को उनको जो है न्यू किटन या कैट होती है उनको प्रोवाइड करना चाहिए आज बात होगी कि आप, आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ख़ुद जो है उनकी केयर नहीं कर पाते जो किटन या कैट जो है आप लोग लेकर आते हो आप ख़ुद उनकी केयर नहीं कर पाते और बाद में कहते हो कि हमारा किटन जो है या कैट जो है वो ट्रेन नहीं हो रही या उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है या वो जो हम चाहते हैं या जैसा हम चाहते हैं वो वैसा वैसा नहीं कर रहे तो वो आप लोगों की गलती होती है आप लोग उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते आप उनको उस तरह ट्रेन नहीं करते तो वो उनकी गलती नहीं होती तो इसलिए आप लोगों को उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह क्या करना चाहिए आज हम इस पर बाकायदा बात करेंगे कि वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोग देखिएगा इसलिए आप लोगों को कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए ठीक है तो पहले जो है ना हम बात करते हैं और हाँ जी लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अब मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें देखिए जी शेरू भी इसी तरह बैठा हुआ है मज़े से इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप कोई नई कैट या किटन को घर पर लाते हैं ना तो आपने उसे सेट होने देना है अपने साथ उसको बकायदा बकायदा तौर पर ना उसे छोड़ देना आप लोगों ने ढीला वो जैसे आप लोग किसी कैट या किटन को लेके आते हैं आप लोगों ने देखा होगा नोट किया होगा कि वो हर जगह पर जाती है घूमती है फिरती है हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है ठीक है उसको सेट होने दें उसको सेटल्ड होने दें अपने साथ उसको अटैच होने दें अपने साथ उसको अटैच होने का मौका दें उसको पकड़े नहीं जब आप उसको बार बार पकड़ते हैं ना तो वो तंग होती है वो किटन या कैट जो होती है वो तंग होती है वो फिर चिड़चिड़ी होती है वो भागती है आप लोगों से उसको ना घूमने फिरने दें वो जब घूमेगी फिरेगी वो खुद आहिस्ता आहिस्ता आकर आप लोगों से अटैच होगी उनको टॉयज़ दें उनको खेलने के लिए खिलौने दें टॉयज़ दें वो उनके साथ खेलेंगी और खुद आप लोगों के पास आएंगी देखें दो माह के बच्चे या पचास दिन के बच्चे या साठ दिन के बच्चे अपनी माँ से अलग हुए होते हैं तो आप खुद सोचें जब माँ से एक बच्चों को अलग किया जाता है तो फिर कितना बच्चा जो है वो परेशान होता है इस वजह से वो आप लोगों के साथ अटैच नहीं होता तो उनको खेलने दें वो खुद अटैच हो जाएगा आप लोगों के साथ फिर इसके बाद हम उसकी बात करते हैं अब हम बात करते हैं जी किटन या कैट के फूड की किटन या कैट के फूड की अगर बात की जाए तो उसको जब हम फूड कोई देते हैं तो पहले जिससे आप किटन या कैट को बाई करके लेके आए हैं उनसे आप पूछ लें कि वो क्या खा रहा था आप उसको क्या दे रहे थे कैट कैट फूड दे रहे थे फिश देते थे चिकन देते थे वेजिटेबल देते थे या इन सब को मिक्स करके बॉईल करके कोई अपना एक कैट फूड बना के देते थे या बाहर से कोई भी उसका अच्छा जो है कैट फूड ला के उसको देते थे या क्या चीज़ देते थे आप पहले उनसे खुद पूछ लें कि आप इनको कैट फूड में या इसको खाने में इसको पीने में क्या चीज़ देते थे दूध देते थे कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उनको ना दें खाने में जब आप उनको अपनी मर्ज़ी से खाने में कोई चीज़ देते हैं तो यकीनन उनको जो है मोशन स्टार्ट हो जाते हैं उनका पेट ख़राब हो जाता है उनके लिए वो डाइट अच्छी नहीं होती आप उनसे पूछें कि आप लोग इनको खाने में क्या चीज़ दे रहे थे फिर वही चीज़ आप उनको खाने में दें जो चीज़ उनके लिए बेहतर है पहले से उनके रूटीन में है वो चीज़ उनको खाने के लिए दें ये नहीं कि आप उनको अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ जो है स्टार्ट करवा लें वो इस तरह वो शौक से खाएंगी भी नहीं और वो बीमार पड़ जाएंगे आपके कैट्स जो हैं तो उनकी पसंद की चीज़ उनको खाने के लिए दें सुबह जब उठें तो रूटीन में आप जब सुबह उठें तो अपनी कैट्स को जो है ना ब्रश करें कॉम करें ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए जो है ना बहुत अच्छा अच्छा सा ब्रश जो है वो लेकर कर आएं जी बहुत प्यारा सा नीट सा खूबसूरत सा जो उनका अपना ब्रश होता है जो कॉम वाला वो लेके कर अगर आपके पास घर में कोई ब्रश पड़ा हुआ है वैसे वो बहुत सस्ता सा होता है आप लोग ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं अगर वो परचेज़ कर ले तो वेल एंड गुड अगर आप नहीं परचेज़ कर सकते तो आप जाके उसको जो है नहीं परचेज़ कर सकते आप घर का जो तो आम ब्रश होता है आप वो लेके आ सकते हैं वो लेके आइए और उसके साथ जो है आप अपने किटन को जो है ब्रश कर सकते हैं ईजीली किटन के बालों में वो ब्रश जो ब्रश होता है वो किया जा सकता है तो इसलिए आप उनको सुबह उठ के पहले कॉम कीजिए और फिर ताकि उनके जो बाल हल्के फुलके गिर रहे होते हैं वो भी झड़ जाएँ और खाने की मैंने रूटीन आपको बता दी कि उनको खाना कैसे दें दिन में दो टाइम या तीन टाइम उनका एक टाइम रखें दो या तीन टाइम उनको खाना दें और वो खुद ही आपको आके फिर उसी टाइम पे बता दिया करेंगी जी कि हमें खाना दें वो खुद आके इतनी इंटेलिजेंट होती है कि खुद बताती हैं इसके बाद हम बात करते हैं उनके लीटर के बारे में के वो कि वो वॉशरूम वगैरह की अगर आप उनको आदत डालेंगे या लीटर की आदत डालेंगे तो वो किस तरह डलनी है उनको वो कैसे आपने उनको लीटर की आदत डालनी है तो वो उनको आपने ऐसे आदत डालनी है कि आप कोई एक पॉट ले लें प्लास्टिक का ले लें या आप उनके लिए ऐसी चीज़ ले लें कि आपने उनके लिए प्लास्टिक का पॉट या ऐसी कोई चीज़ लेनी है जिसके अंदर लिटर को भर के रख देना है लिटर को भर के रख देना है और उनको बता देना है उनको जब आप एक दो दफा उसके बीच में रखेंगे तो उनको ख़ुद ऑटोमेटिक आदत हो जाएगी जाने की कि हाँ जी हमने इधर जो है ना सूसु वगैरह करना है ये हमारी जगह है जी इधर ही हमने हमने इसी को यूज़ करना है उनको आदत हो जाएगी इस चीज़ की आप एक दो दफ़ा फिर उनको रखेंगे तो उनको आदत हो जाएगी और अगर आप लोग उनको वाशरूम की आदत डालना चाहते हैं तो उनको खाना जब वो खा लें उनका जब एक टाइम आप नोट कर लेंगे कि वो किस टाइम वाशरूम यूज़ करते हैं या किस टाइम वो वाशरूम में जाते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ उनका एक टाइम आप नोट कर लें और या जब वो खाना वगैरह खाते हैं कैट फूड खाते हैं उसके बाद आप उनको पाँच मिनट के लिए वाशरूम में जब बंद करेंगे या अपने साथ लेके जाएंगे तो वो खुद वॉशरूम को सूंघ के उनकी इतनी हिस्स तेज़ होती है सूंघने की वो सूंघ के अंदाज़ा लगा देंगे कि ये जगह ऐसी है जिधर हमने वॉशरूम करना है अब ये मेरा शेरू है ये इतना ट्रेन है कि ये खुद वॉशरूम में जाता है और वापस आके बायदा म्यो म्यों करता है कि मुझे मतलब मेरे जो है मेरे पाँव भी वॉश करवाएं तो इसको बाकायदा फिर इसके पाँव भी जो है वो वॉश किए जाते हैं तो इसलिए आप लोग उनको आदत डालें तो अब कितने कैट्स मैंने देखी हैं जिनको इंग्लिश वॉशरूम जो होता है कबोर्ड वॉशरूम जो होता है वो उसके ऊपर बैठ के करती हैं वो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है आप लोग इनको वॉशरूम में लेके जाएं थोड़ी देर बंद करें तो इनको ख़ुद ही वॉशरूम की आदत हो जाती है कि यहाँ पर हमने जाना है और वाशरूम करना है तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और सोने की जहाँ तक जहाँ तक सोने की बात है तो सोने के लिए आप लोग इनके लिए एक अलग से एक नरम सी जगह में या कोई टोकरी बड़ी वाली ले लें या बड़ी टोकरी के बीच में आप कोई नरम चीज़ डाल दें कोई कंबल डाल दें इस तरह वो ख़ुद उनको पता होगा कि ये नरम सी जगह है उनको वहाँ पे एक दो दफ़ा आप रखें तो वो वहाँ पर आ कर खुद सोएंगी उसके अंदर जाएंगी और वहाँ पर सो जाएंगी आज के टॉपिक मैंने ये इसलिए रखा कि बहुत से लोग जो हैं इन चीज़ों के लिए नहीं उनको पता होता नई नई चीज़ें होती हैं नए नए जो हैं नए नए उन्होंने किटन्स वगैरह जो हैं परचेज़ किए होते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता कि वो क्या किस तरह उनकी जो है वो देखभाल करें तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी टिप्स या टिप्स दे दो उनको केयर के हवाले से तो मैंने ये टॉपिक आज रख दिया तो मेरा यकीनन व्लॉग जो है मेरा ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा तो आप लोग भी इसी तरह अपने किटन्स की केयर करें अपने कैट्स की केयर करें और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आया होगा जहाँ रहें खुश रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़ अला निगेबान